हेलो दोस्तों, देखिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसी पर से बात करेंगे। आप लोग को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोग को मैं चैनल स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस का दौरा था। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है और काशी विश्वनाथ के धाम में, बाबा भोलेनाथ के धाम में उन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल को लोगों को समर्पित किया है। और ये जो स्टेडियम है ये पूरी तरह से महादेव बाबा भोलेनाथ का विश्वनाथ धाम को पूरी तरह समर्पित है, क्योंकि ये बनारस में ही बन रहा है स्टेडियम। और बनारस आपको पता है कि बाबा भोलेनाथ का धाम है, वहीं उनका घर है, तो उन्हीं को समर्पित किया गया इस स्टेडियम को। और जिस तरह से बाबा भोलेनाथ का थीम्स है, उन तमाम चीजों को लेकर ही ये स्टेडियम बनाया जाएगा। जैसे स्टेडियम जो आकार होगा वो अर्ध चंद्राकार उसका आकार होगा, और उसका जो फ्लड लाइट, जो स्टेडियम फ्लड लाइट लगेगी, आपका ये त्रिशूल के आकार होगा। जो आपका एंट्रेंस गेट होगा वो बेलपत्र के आकार का होगा, और जो आपके डोर्स होंगे, गेट होंगे, ये आपके डमरू के आकार का होगा। तो ये पूरी तरह से स्टेडियम जो है, ये पूरा स्टेडियम ही बाबा भोलेनाथ को समर्पित किया गया है। करीब 30.3 एकड़ में ये स्टेडियम बनेगा। करीब इसकी लागत 400 करोड़ आएगी, करीब खर्च होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 30 महीने में ऑलमोस्ट, मतलब 3.5 साल में ये स्टेडियम बनके, मतलब 2.5 साल में स्टेडियम बनके ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है यूपी के लोगों को, खासकर पूर्वांचल लोगों को। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिला है, बहुत सारे देश अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्रिकेट के देश बढ़ेंगे तो ऊपर से बात है मैचेस बढ़ेंगे, और जब मैचेस बढ़ेंगे तो आपके स्टेडियम का जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने भारत के जो बाबा भोलेनाथ के धाम है बनारस में, वहां एक स्टेडियम देश को समर्पित किया है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग के लिए। ये किसी वरदान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं और खासकर पूर्वांचल से आते हैं, जहां से दूर दराज गांव से आते हैं, जहां पर उनके लिए कोई भी चीज सुविधा अवेलेबल नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये उन तमाम लोगों को। और देखिए उस मौके पर आपके जो सचिन तेंदुलकर वो भी मौजूद थे, सुनील गावस्कर मौजूद थे, रवि शास्त्री मौजूद थे, दिलीप वेंगसरकर मौजूद थे, और आपके तमाम दिग्गज लोग मौजूद थे, बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा मौजूद थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी मौजूद थे, ये तमाम लोग मौजूद थे। और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की क्रिकेट की एक जर्सी मोदी को गिफ्ट में दिया, उनका सम्मान किया जर्सी देकर, उस पर नमो लिखा हुआ था। इसके अलावा देखिए, चाहे वो जितने क्रिकेटर थे, चाहे सचिन हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, रवि शास्त्री हो, तमाम क्रिकेटर ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की, उनका रुद्राभिषेक भी किया, और बहुत धूमधाम से ये क्रिकेट का जो उद्घाटन था, जो क्रिकेट आज समर्पित की गई यूपी के लोगों को, खासकर पूर्वांचल लोगों को, ये अपने आप में बहुत खास और बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको पता है लखनऊ में जो यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पे एकाना स्टेडियम है जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया गया है, और दूसरा स्टेडियम जो पूरी तरह से बनारस के स्टेडियम, ये काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि इससे आपके इकोनॉमिक जो होगा वो भी आपके इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, आपके जो टूरिस्ट होंगे वो भी आएंगे, तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्धि होंगे, जॉब्स के भी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेंगे ही, रोजगार भी मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें आज मोदी ने कहा है, बड़ी सौगात दिया है। तो इसी पर आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।